दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डायबिटीज जिसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं वह कितना खतरनाक हो सकता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण और कौन कौन से खतरे होते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि प्रेग्नेंट वोमेन के जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि आपको लगता है कि आपके डायबिटीज हो सकता है तो इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। और बात करें लास्ट टॉपिक की, तो यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसके लिए आपके कौन कौन से घरेलू उपचार हो सकते हैं और इसमें आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, यह भी आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है। तो यह एक सामान्य डायबिटीज की तरह ही आम समस्या होती है, लेकिन यह सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाने के कारण उन्हें यह समस्या होती है, जिसके कारण उनकी प्रेगनेंसी प्रभावित होती है और उससे बच्चे की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि बच्चे को जन्म देने के बाद ब्लड शुगर लेवल आमतौर पर सामान्य हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यदि महिला जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित हो तो उसे टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना अधिक हो जाती है। दोस्तों सेकंड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज के कौन कौन से खतरे होते हैं। दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज कुछ महिलाओं को होता है और कुछ महिलाओं को नहीं होता है। हालांकि यह समस्या किसी भी महिला को हो सकती है, लेकिन कुछ महिला में जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। यदि प्रेग्नेंट महिला की एज 35 साल से अधिक है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, और यदि परिवार में पहले किसी महिला को इस तरह की समस्या रही हो तो उसे आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना बनी रहती है, और यदि आपको पहली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या रही हो तो इस बार भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित महिला के बच्चे का वजन अधिक हो सकता है, क्योंकि यदि मां के शरीर में ग्लूकोज का स्तर उच्च होता है तो बच्चे के शरीर में भी इंसुलिन का स्तर अधिक हो जाता है, इससे प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी समस्या से पीड़ित महिला का बच्चा गर्भ में ही अधिक लंबा हो जाता है, इसके कारण डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से माँ की प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, और महिला को भविष्य में अगली बार प्रेग्नेंट होने पर भी जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बना रहता है। गर्भवती महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए सी सेक्शन डिलीवरी, जिसे हम लोग ऑपरेशन से डिलीवरी बोलते हैं, वह करानी पड़ सकती है। दोस्तों मैंने पहले ही इसमें वीडियो बना दिया है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है, सिजेरियन डिलीवरी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज के कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल सकता है कि प्रेग्नेंट वोमेन की डायबिटीज हो सकता है। दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण या तो बहुत हल्के होते हैं या होते ही नहीं है। हालांकि हर महिला में इसके कुछ अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज के कौन कौन से लक्षण होते हैं। दोस्तों आँखों से धुंधला दिखाई देना, हाथ और पैरों में झुनझुनी का अनुभव, बार बार पेशाब लगना, शरीर में सूजन और दर्द, अत्यधिक थकान, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना और बार बार खाने का मन करना, ऐसे यही कुछ कारण है जो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण समझ में आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो जेस्टेशनल डायबिटीज के निदान के लिए आमतौर पर प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्तों के बीच में यह टेस्ट कराया जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं इस टेस्ट से पीड़ित होने की आशंका होने पर यह टेस्ट पहले ही करवा लेती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज के निदान के लिए प्रेग्नेंट महिला को ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना पड़ता है। इस टेस्ट को कराने के लिए प्रेग्नेंट महिला को शुगर का एक सोल्यूशन पिलाया जाता है और करीब एक घंटे बाद ब्लड शुगर की जांच की जाती है। इस दौरान यदि महिला का ब्लड शुगर सामान्य से अधिक पाया जाता है तो उसे दूसरे टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। दोस्तों यही बात करें कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराने के लिए गर्भवती महिला को टेस्ट कराने से 8 से 14 घंटे पहले कुछ न खाने को बोला जाता है।
टेस्ट से पहले उसका ब्लड लिया जाता है और आधे से एक घंटे के अंतराल बाद उसे हाई ग्लूकोज का सोल्यूशन पिलाया जाता है और उसके दो घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल की जांच कर यह पता लगाया जाता है कि इन दोनों स्तर में कितना फर्क हुआ है। यदि आमतौर पर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराने वाली 3 में से 2 महिलाओं के जेस्टेशनल डायबिटीज से समस्या नहीं होती है। और दोस्तों लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका डायबिटीज टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कौन कौन से घरेलू उपचार और कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। दोस्तों बात करें घरेलू उपचार की तो इसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे और इसके साथ साथ आपको अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज और अच्छा खान पान को भी ऐड करना होगा। दोस्तों यहीं पर बात करें कि प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाएं होती हैं, तो इसके लिए आप प्रेगनेंसी के दौरान मेटफॉर्मिन दवा ले सकते हैं।